इस वीडियो जो बात करने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए जो फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, फॉर्म भरते वक्त सभी लोग का सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ पे सिग्नेचर और फोटो यहाँ पे अपलोड करने में मिला है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है। इस वीडियो बताने वाला है कि फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करेंगे और अपलोड और सिग्नेचर का जो साइज है, यानी जो फाइल साइज है, कितना में करना है, कैसे करना है, ये सारा डिटेल इस वीडियो बताने वाला है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि और लोग को भी जानकारी हो सके। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम देखने की मिलेगा, सिग्नेचर अपलोड करना सबसे ज़्यादा सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने के लिए दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, सेटिंग करने सिग्नेचर का जो साइज है, ठीक है, किस तरह से आप सेटिंग करेंगे, पेंट के माध्यम से करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लैपटॉप वगैरह से कर रहे हैं तो लैपटॉप में सभी लोग का आपको पेंट का सॉफ्टवेयर होगा, उस सॉफ्टवेयर तो पेंट सॉफ्टवेयर में जाके आप खुद से यहाँ पे सेटिंग करेंगे। तो सेटिंग करने के लिए सबसे पहले, जैसा कि देख रहे हैं, मेरे पास एक सिग्नेचर है, हम डेमो के लिए आपको बताना है, ठीक है। आप इसी प्रोसेस के माध्यम से आप सेटिंग करेंगे, क्या कर देंगे, इसका साइज देख रहे हैं कितना साइज में है, ठीक है। यहाँ पर जो साइज मांगा गया है 10 KB से लेके 20 KB, यानी 10 KB से लेके 20 KB के बीच में आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर देखिए, 20 से थोड़ा कम रखेंगे, 18-19, ठीक है। और तो सबसे पहले यहाँ पर साइज अपना देख लेंगे। तो साइज को देखने के लिए इस सिग्नेचर वाला पर राइट क्लिक कर देंगे, इसका प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पर देखिए, फाइल साइज आपको देखने के मिला है, ये आपको ज़्यादा हमको मिला है, ठीक है, 24 KB है फाइल साइज, यहाँ पर 24 KB बता रहे थे। इसको कम करना है, तो कम करने के लिए इस पर राइट क्लिक कर देंगे, फिर से यहाँ पर एडिट में जाएंगे, तब का यहाँ पर देखिए पेंट यहाँ पे खुल जाएगा। पेंट में यहाँ पर रिसाइज वाला में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर रिसाइज में जैसे जाइएगा तो एक आपको यहाँ पर विंडोज खुलेगा। उसके बाद यहाँ परसेंटेज जो देख रहे हैं, परसेंटेज इसको कम कर देंगे, 100 है तो 70-80 कर देंगे, 70 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर फाइल में जाएंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे, ठीक है, कम हो गया, ठीक है, 17 KB तक हो गया, 17-20 जब को सही हो गया है। अब इसको करेंगे कि डायमेंशन में कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो डायमेंशन बताया गया है 0.0 सेंटीमीटर और आपको हाइट में 2.0 सेंटीमीटर मांगा गया है। इसको सेटिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे है ना, यहाँ पर फिर से सिग्नेचर वाला में चलेंगे, ठीक है, यहाँ पर राइट क्लिक कर देंगे, एडिट में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर पेंट में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर पेंट में जाएंगे, यहाँ पर रिसाइज वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पिक्सल का ऑप्शन यहाँ पर देखने के मिला है, पिक्सल वाला पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर नीचे आपको अनटिक कर देना है एस्पेक्ट रेशियो को। अनटिक करने के बाद आपको हॉरिजेंटल में कितना लिखना है, 472 लिखना है, ठीक है। हॉरिजेंटल में कितना लिखना है, 472, वर्टिकल में कितना लिखना है, 236 लिखना है, ठीक है, मानो कि 472 236 लिखना है। ओके कर देंगे तो आपका जो है डायमेंशन में सेटिंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फाइल में जाएंगे, यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, आपका जो है ना फोटो यहाँ पर आसानी आपका जो है सिग्नेचर यहाँ से आसानी से अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको साइज देख लेंगे कितना साइज में आया है, क्योंकि एक बार साइज भी आप देख लेंगे, क्योंकि 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए। तो इस पर राइट क्लिक कर देंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज में कर दिए हैं 15 KB से लेकर 16-15 KB तक हो गया है, ठीक है, ये आपका फाइल साइज यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो अपना इस तरह से डायमेंशन सेटिंग करेंगे अपना पेंट में खोलकर, और यहाँ से अपलोड करके अपना आसानी से फोटो यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। और ऑनलाइन के माध्यम से भी सेटिंग करना चाहते हैं फाइल साइज, तो आपको गूगल में बहुत सारा टूल मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप सेटिंग कर सकते हैं। अब हम बात करें फोटो अपलोड करने के लिए, तो देखिए फोटो जो अपलोड करेंगे, आप सिस्टम में कैमरा है तो कैमरा से माध्यम से अपलोड करेंगे, नहीं तो सबसे पहले एक आसान तरीका है, MyACC का आपको ऐप मिल जाएगा, ये ऐप को इंस्टॉलिंग कर लेना अपने मोबाइल में, ठीक है। यहाँ पर देखिए MyACC का, उसके बाद इंस्टॉलिंग करने के बाद जैसे ही ओपन कीजिएगा आपका इस तरह से पेज खुलेगा। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका इस तरह से पेज खुलेगा, ठीक है, आपका इस तरह से पेज खुलेगा। और यहाँ पर जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस पोस्ट यहाँ पर शो करेगा यहाँ पर, और यहाँ पर कैमरा का सिम्बल दिखाई दे रहा है, इस कैमरा वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिए आपका इंटरफेस यहाँ पर बताया गया कि आप किस तरह से यहाँ पर है ना फोटो जो अपलोड करेंगे सेफ लिया जाएगा, किस तरह से अपने कि सेफ नहीं लिया जाएगा, तो आपको बातों के ध्यान रखना है। और यहाँ पे कैमरा वाला पर क्लिक करके अपना आसानी से है फोटो को कैप्चरिंग यहाँ पे करके अपलोड करेंगे, ठीक है। तो अपना खुद से मोबाइल से भी ऐप डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं फोटो और सिग्नेचर को अपलोड, तो इस तरह से अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि देखें इस वीडियो में बात की कि फोटो सिग्नेचर किस तरह से अपलोड करना है, फोटो सिग्नेचर का जो साइज है किस तरह से सेटिंग करना है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस के माध्यम से आप सेटिंग करेंगे साइज को और यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में ही मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।